इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस गर्मजोशी से जो यहाँ पर मुझे वेलकम किया है। मैं जस्ट सिंपली मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने बीकॉम किया था और मेरे में खास कुछ नहीं था। 17 साल लगातार काम करने के बाद में यदि कुछ खास होता तो इन 17 सालों में काफी कुछ अचीव कर लिया होता दोस्तों। लेकिन जैसा कहा अभी आपको राहुल जी ने बताया कि कुछ दशा ऐसी चलती है जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि यह अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, वही अपॉर्चुनिटी है जो अपॉर्चुनिटी मुझे आज से 7 साल पहले मिली थी दोस्तों, वही अपॉर्चुनिटी है। और इसमें खास कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ ज्वाइन करने के बाद में ये पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम के माध्यम से कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स हमको लगातार सपोर्ट करते हैं, हमें बताते हैं। अकेले से कुछ भी नहीं होता है, टीम ऑफर्स के साथ में हम बिजनेस करते हैं। हमारे पास में अलग अलग कैलिबर्स के लोग होते हैं, हमारी टीम बढ़ते जाती है और हम एक दिन ऐसा आता है जब बहुत इन ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं। सिंपली कुछ भी नहीं किया मैंने दोस्तों। दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से आप जानना चाहेंगे मैंने क्या अर्न किया। दोस्तों इस बिजनेस को आज से 7 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था और जब मैंने ज्वाइन किया था मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से घिसट घिसट के जिंदगी चल रही थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस समय जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था आज से 7 साल पहले, एक आम आदमी से भी गई हुई जिंदगी में अपनी गुजर बसर कर रहा था। मेरे पास में जूते तो थे ऊपर से चमकते हुए, लेकिन नीचे का सोल फटा हुआ था। शायद आप बिलीव नहीं करेंगे इस पोजीशन से इस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। और आपके सामने है कि जो जो व्यक्ति अपने जूतों को ठीक से केयर नहीं कर सकता था, जिसके पास में जूतों को मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, इस कंपनी को सिर्फ ज्वाइन कर लेने से, आज सिर्फ बिलीव के साथ में इस कंपनी का हाथ सिर्फ पकड़े लेने से आज यहां तक पहुंच गया दोस्तों। मैं आपके सामने है। जब ज्वाइन किया था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 2 लोगों को रिकमेंड कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा नेचर बड़ा शाई नेचर था, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था, मैं अपने ही मतलब उलझन में उलझा हुआ था, लोगों से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये हमारे अपलाइन के सपोर्ट की वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया कि धीरे धीरे करते करते आज जो जहां पर हम 2 लोगों को रिकमेंड करने के बारे में बड़ी मुश्किल से सोच पाते थे, आज मेरे साथ में 1,75,000 लोगों का नेटवर्क पूरे ऑल ओवर इंडिया में, 1,75,000 लोगों का नेटवर्क। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था मैं 7 लाख रुपए के कर्जे में था, 7 लाख रुपए का बैंक का कर्जा था और मार्केट से कुछ लोगों से लेकर के किसी तरीके से जिंदगी चल रही थी। लेकिन दोस्तों काम करते करते इस बिजनेस के माध्यम से 700 बार 1 लाख रुपए अर्न कर चुका हूं। 7 करोड़ रुपए इस बिजनेस के माध्यम से मैंने अर्न किया, 7 करोड़ रुपए इस बिजनेस के माध्यम से मैं अर्न कर चुका हूं। और आपने सुना होगा कि ठीक है पैसा आप एक बार अर्न कर लेते हैं लेकिन दूसरी बार आप अर्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आपके लिए थोड़ा सा डाउट होता है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी ने जो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में दी हुई है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी हुई है जहां पर कुछ दिनों की मेहनत के बाद में आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। और दोस्तों एक सीलिंग, आपने नाम सुना होगा सीलिंग का, हमारे इसमें होता है कि हम काम भी करते करते एक समय ऐसा भी आता है जहां पर एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पर लगातार हर हफ्ते आपको मैक्सिमम कितने अर्न करने की आपको अपॉर्चुनिटी है, 2 लाख रुपए अर्न करने की अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों पिछले 1.5 साल से लगातार मेरे घर पर हर हफ्ते 2 लाख रुपए का चेक इस कंपनी के माध्यम से। हर हफ्ते लगातार। इसलिए दोस्तों आज जो कुछ भी होने वाला है ये इतिहास बनने वाला है। आप बिलीव करें कि ये कंपनी बहुत आगे जाने वाली है, कहीं ऐसा ना हो आप इस चीज को विटनेस कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड दिस बल्ब? थॉमस एडिसन ने किया था। बल्ब क्या करता है? बल्ब लोगों को रोशनी देता है। दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार यदि किसी चीज को माना गया है आज तक तो बल्ब को माना गया है। और दोस्तों हमारे जो थॉमस एडिसन है, एक नहीं है 5 है, और उन्होंने बल्ब का आविष्कार नहीं किया क्योंकि बल्ब पेट नहीं भर सकता, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दे दी है जहां पर ज्वाइन करने के बाद में हर घर में 1 करोड़पति पैदा होगा, गरीबी का नवा निशान मिल जाएगा, एक ऐसा आविष्कार उनको मिल गया दोस्तों।
दोस्तों आप पहचाने जो वेव यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जो हमारे डायरेक्टर्स हमको चीजें दे रहे हैं, उन सारी चीजों को पहचाने और आप देखें कि एक आंधी होती है, यदि उस आंधी में कोई भी खड़ा हो जाता है तो वो आंधी आपको उड़ा के ले जाती है, होता है ऐसा? तो ये बस इस प्रोग्राम के बाद में, इस फंक्शन के बाद में मार्केट में, इस भारत देश में एक ऐसी आंधी आने वाली है कि कोई भी आदमी सिर्फ आके खड़े हो जाएगा तो उस आंधी के साथ में काफी आगे निकल जाएगा, बहुत आगे जाने वाला है।